लिंक दे विच कई बारी बहुत सारिया फिर त्रुटियां आ जांदियां। सो गुरु साहब कृपा करन, यह जिहड़ा चैनल जिहदा नाम पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहब रखिया ते सचखंड श्री दरबार साहब रखिया गया, ते उस वेले बहुत सारे लोगों ने इहदे उत्ते कमेंट भी कीते। फिर कुछ ने मैनू सुझाव दिता कि कल को लिटीगेशन शुरू हो जाए फिर सचखंड के नाँ के उत्ते ठीक नहीं लगेगा, तुसीं इहदा नाँ तब्दील करके कोई होर नाँ रखो। सो तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार उन्हां नाल भी सलाह होई, इहदा नाँ हुण SGPC अमृतसर होगा। जिहड़ा कोई भी कितने सच मार के SGPC अमृतसर के उत्ते लाइव चैनल जिहड़ा उह तुहाडा चलदा रहूगा। बहुत लंबा भाषण नहीं करना, कृपा करके खालसा पंथ नूं जिथे बधाई दिंदा उत्थे इह भी कहना चाहुंदा कि सोशल मीडिया का जो गया तो सोशल मीडिया के उत्ते अज व्यापारीकरण भी हो रहा, अज बहुत कुछ कहा जा रहा। ये राइट जिहड़े आ श्रोमणी कमेटी को राख में रखे गए आ, उहदे विच कोई भी बंदा शेयर कर सकता, उहनूं असीं लिंक नहीं देना क्योंकि लिंक दे विच कई बारी बहुत सारिया फिर त्रुटियां आ जांदियां। सो गुरु साहब कृपा कर, ये जिहड़ा चैनल जिहदा नाम पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहब रखिया ते सचखंड श्री दरबार साहब रखिया गया, ते उस वेले बहुत सारे लोगों ने इहदे उत्ते कमेंट भी कीते। फिर कुछ ने मैनूं सुझाव दिता रखो। सो तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार उन्हां नाल भी सलाह होई, इहदा नाम हुण SGPC अमृतसर होगा। जिहड़ा कोई भी कितने सच मार के SGPC अमृतसर के उत्ते लाइव चैनल जिहड़ा उह तुहाडा चलदा रहूगा। सिख साहब ने जिहड़ा कल आदेश कीता उह भी लॉन्च करांगे। एक ध्यान मन विच रखियो कि लॉन्च होना ही होना है, पर समा वध घट लग सकता है, इस करके सानू खिमा भी करदा है। समय समय अनुसार ये नवीनीकरण होंदा रहा। नवीनीकरण कहण तो भाव किसी वेले असीं 78 दे विच सेंटर सरकार तो यह मांग करते सी कि साडा इत्थे रेडियो स्टेशन जिहड़ा आ उह इत्थे सानू ट्रांसफार्मर दिता जावे। हौली हौली ज्यों ज्यों फिर यह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आया तो 98-99 तो लैके इनू टैलीविजन ते प्रसार लाइव प्रसार नू जोड़न लई जतन आरंभे गए, जिहड़े लगातार 2006 तो लगभग पहला चार चैनल इत्थे आ के वो अपनियां सेवावां देण लई उन्हें पेश भी कीतियां, पर उहदे विच सफल नहीं हो सके। फिर ETC तो बाद PTC चैनल ने ये सेवावां जिहड़ियां उह निरंतर जारी रखियां, जिहड़ियां 23/7/23 नूं अज समाप्त होण जा रही हैं। और खालसे पंथ की यह मंग सी कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना चैनल स्थापित करे। चैनल स्थापित करन लई असीं मुनकर नहीं गए, चैनल भी असीं स्थापित कर रहे हैं, पर पिछले साल सानूं सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वल्लों आदेश आया कि अपना YouTube लॉन्च चैनल जिहड़ा तुसीं लॉन्च करो। उहदे लई साडी सब कमेटी जिहदे विच गुरचरण सिंह गरेवाल, सरदार जिंदर सिंह मेहता, सरबण सिंह कुलार, कुलवंत सिंह मन्नण, इन्हां सारिआं ने बैठ के अज दा जिहड़ा इह चैनल चालू कीता इहदे विच वड्डा अपना योगदान पाया। तो इह खालसा पंथ दी श्री अकाल तख्त साहब दी दित्ती डायरैक्शन ते अज जिहड़ा YouTube जिहड़ा चैनल आ उह लॉन्च किया गया। हुण लोकां नूं इह भी सुविधा हो जाऊगी कि जे गड्डी 'च तुरे हो आ, चाहे शहर दे विच किसे काम तुरे हो आ, चाहे उह दफ्तर विच बैठे आ, उह लाइव प्रोग्राम सारा जिहड़ा इत्थों सचखंड श्री हरिमंदर साहब दा उह देखदे भी रहणगे। सो इहदा नाम भी जिहड़ा SGPC श्री अमृतसर रखिया गया। मैं समुचे खालसा पंथ नूं
बहुत बहुत बधाई देना कि अज गुरु साहब ने तरस करके ये कार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को करवाया। पर मैं एक अफसोस भी आ कि आप एक कार सिरे चढ़ा एक गह होर नाल गल जोड़ लें। ये यूट्यूब का असी किसी लिंक नहीं देना पर वो शेयर जरूर कर सकता इनू कोई भी जेड़े आने क्योंकि टैक्नीकल तौर पर मेरे तो वध जानते ते आज किंतु परंतु ना करो जे कोई सेवावान कर रहा तो कल मेरे साथ कोई होर भी आ जाऊगा। पर जथेबंदी जी खालसा पंथ की श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी यदा शाना मती इतिहास आ सरकार हमेशा चाहे सेंटर की सी चाहे पंजाब की सी बड़िया बड़िया दखलदाजिया करती रही पर मूँह की खाणी पई। अज मैनू कहण कोई नरसंकोच कोई मैनू गिला नहीं कि जिनी अज इस जथेबंदी के घुसपैठ की जा रही आ शायद ये इतिहास के पहली बारी होया। पर मैं अज फिर मौके के हाकमां नूं कहना चाहना कि सरकार थानू लोगों ने चुन के दिती सी पंजाब ते पंजाब दे कार्ज लई पर अज नित रोज उठ के एक बारी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं निंदिया जांदा। ये संस्था किसी की जागीर नहीं ये खालसा पंथ की संस्था आ। मैनू भी रोज़ दी रोज़ जिन्नियां तुसीं कारवाइयां बैठे उत्थों करदे आ मेरे कोल भी नाल दी नाल पहुँच जांदियां कि किवें तुसीं अज यूट्यूब दे उत्ते चैनल शुरू कीते हो आ जिहड़े रोज़ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भांदे आ रोज़ भांडदे आ ते ओह मैनूं खबर भी मिल जांदी वी पहलां पहलां तुसीं किहनूं किहनूं टच कीता ते किहड़े तुहाडे वजीर ने साडे मैंबर सदके उन्हां नाल मुलाकात कीती चीफ मिनिस्टर दे बिहाव दे उत्ते ते कहा भी उत्थे थोड़ा बहुत रोल घचोला करो। पर मैंबर सावधान आ मैं उन्होंने मैंबरों को भी बधाई देना कि तुसी जमीर जागदी वाले आ तुसी कोई किसी लालच या भय विच आउण वाले नहीं पर गुरु साहब कृपा करन बख्शिश करन। मैं ये तां गल्लां तुहानू मीडिया राही कह रहा कि पंजाब दी ये सरकारे पिछलियां तो सबक सीखो आपां कार्ज करने पंजाब सरकार ने पंजाब दे इत्थे जिहड़े गुरु साहब की कृपा से बख्शिश नाल जिहड़े पंजाब दे गोचरे लोगों नूं तुहानू चुन के भेजिया ते जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्ज आ ये संपर्दा सिरमौर संपर्दा आ ये कार्ज करन दे समर्थ आ। अगला जिहड़ा सिस्टम जिहदे लई सैटेलाइट चैनल आ वह गरेवाल साहब की फिर अगवाई दे विच कमेटी बना दी गई आ उहदे लई असीं यतनशील भी हाँ। असीं एक दो चौं दिनां च तुहानूं उहदे लई जिहड़े यतन आ जिहड़े वह भी थानू पता लग जाएंगे सारियां नूं। पर अंत दे विच मैं एक बड़ा जिहड़ा पंजाब सरकार ते वो गिला भी करदा कि ये गुरु रामदास पातशाह दे दर दे उत्ते 20-22 हज़ार मुलाजम ये इत्थे नौकरियां करदे आ ये अपने टब्बर पालदे आ। इन्हां ने कुछ बंदे विचों चुण के बेचारे इगनोरेंसिया कई बार बहकावे विच आ जांदे। मैं उन्हां नूं भी कहना चाहुंदा तुसीं भी गुरु दे सपुत्तर आ भावें अपने परिवारां नूं पालदे आ पर तुसीं इन्हां दीआं गल्लां दे विच ना आवो। दिल्ली वाले भी बहुत कुछ तुहानूं दिखा लैणगे ते पंजाब वाले भी दिखा लैणगे। तुसीं इस खालसा पंथ की उस सरमौर जथेबंदी दे विच नौकरी करदे आ जिहड़ी सरमौर जथेबंदी अज पूरी दुनिया की अगवाई करती आ। भुल के भी कोई इहो जिहा कार्ज ना करो कि सानू इतिहास फिर कलंकित कर जाए इतिहास सानू मुड़ माफ़ ना करे। जे कोई गलतियां कीतियां वापस हो जाओ सरकार ने पट्ठे तुहानूं बहुत पाउणे आ। मेरे को बहुत सारियां रिपोर्टां इन्हां दे अफसर भी दसदे आ ते जिहड़ियां जिहड़ियां नूं कई वारी कालां करदे उह भी मैनूं दस दिंदे आ भई की कार्ज अज कर रहे आ। ते मैं अंत विच फिर इन्हां नूं इहो कहना चाहुंदा खालसा पंथ नूं जिथे बधाई दिंदा अज यूट्यूब चैनल लॉन्च करन दी उहदे नाल इन्हां नूं भी सावधान करदा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी च किसे कार्ज दे विच दखलअंदाजी ना करो। ये दखलअंदाजी तुहाडी जिहड़ी आ उह वाजिब नहीं। देखो पी टी सी नाल साडा कोई समझौता नहीं गा गाहां वल जिहदा अगे एग्रीमेंट सीगा उह सिर्फ असीं लोकां ने बहुत वड्डे पद्धर ते मैनूं भी टैलीफोन कीते और मैनूं तां अज भी सवेरे टैलीफोन आउंदे सी भई तुसीं हुण जिहड़ा यूट्यूब भी लॉन्च कीता सचखंड दे जद तक दर शाम नूं बंद हुंदे तद तक चलाया करो। सो लोकां ने भी ते श्री अकाल तख्त साहिब वाले सिंह साहिब ने आदेश कीता सी भी किसी भी चैनल तों उन्हें किसी चैनल का नाँ नहीं लिया। तो आप सोशल मीडिया वाले कहने जी उन्हें आदेश कर दिता पी टी सी नूं
उन्हें जा कदे पीटीसी का नाँ ही नहीं लिया। उन्हें कहा भी किसी भी संगतों के जज्बातों देखते हुए तुसी नाल एक सैटेलाइट चैनल भी हायर करो। इन की क्योंकि व्यवस्था थी साढ़े नाल इतने उन्होंने असी ये बेनती पत्र भेजा भी तुम एडा लंबा समा हाज से सेवा की आ गुरु साहब ने सानू जस बख्श किया जिन्ना चेर साढ़े अपने प्रोग्राम नहीं आरंभ हो जाते उन्ना चेर वो जेडे सेवा करो तो उन्हें ये कबूल भी कर लिया भाई जिन्ना चेर तुम कहोगे उन्ना चेर सेवा भी कर। देखो मुख्यमंत्री साहब न मैं पहला भी बेनती की आ कि शायद उन्होंने तो अज बाकी ना होर कोई पासा दीदा केवल तो केवल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी देखती आ। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जी समर्थ जथेबंदी है ये सारे कार्य कर लेंदी आ। मैं उन्होंने भी बेनती करदा कि तुम अपने कार्य सरकार के करो इधर ना देखो ये सारे कार्य असं आप कर लेंगे।